हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश शेप की बनती हुई, कुछ इस तरह की हथेली यहाँ पर, जो एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को शो करती है। और साथ ही साथ फिंगर्स यहाँ पर काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जो यहाँ पर एक पॉजिटिव चिन्ह है। थिकनेस जो फिंगर्स में है वो इन्हें अच्छी एनर्जी और स्टैमिना प्रोवाइड करेगी। और आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं थिकनेस को, और फिंगर्स की लेंथ यहाँ पर अच्छी होने के साथ साथ आप देख सकते हैं जो सूर्य फिंगर है उसकी लेंथ लगभग बृहस्पति फिंगर के बिल्कुल इक्वल नज़र आ रही है, जो शो करती है कि दोनों तरह की क्वालिटीज़ इनके भीतर रहेंगी। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति फिंगर की लेंथ अच्छा होना लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि फिंगर को, शनि फिंगर की लेंथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर इनको हार्ड वर्किंग नेचर देगी। और मरकरी की बात की जाए तो यहाँ पर मरकरी मुझे थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर जो है यहाँ पर फर्स्ट फैलेंस से थोड़ी शॉर्ट है, और यहाँ पर भी थोड़ी लो सेट होती हुई, जो यहाँ पर एक वीकनेस का काम करेगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत इनको रह सकती है। और साथ ही साथ बिजनेस एक्यूमेन भी थोड़ा वीक रहता है व्यक्ति का अगर मरकरी कमज़ोर हो। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या नज़र आता है इनके माउंट से। और फिंगर्स को हम यहाँ पर देख ही चुके हैं, सीधी खड़ी रेखाएँ फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं, जो इनकी जो नेचर है उसको फ्रेंडली बना रही हैं। लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं बहुत कम हैं, तो एक अच्छी फ्रेंडली नेचर इनकी रहने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं इनके माउंट्स की सेटिंग को, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे इनकी मेजर लाइंस को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो एक सेटिंग नज़र आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं जो इनका मरकरी माउंट है थोड़ा लो सेट हो रहा है, अदरवाइज बाकी के माउंट्स को स्पेस यहाँ पर अच्छी मिलती हुई। चलिए वन बाई वन सभी माउंट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका मरकरी माउंट है थोड़ा लो सेट होने के साथ साथ जो यह एरिया है माउंट का वो दबता हुआ, जो इस माउंट को थोड़ा सा कमज़ोर कर रहा है, जिसकी वजह से बिजनेस एक्यूमेन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी और नेगेटिव चिन्ह मुझे मरकरी माउंट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। मरकरी माउंट का कमज़ोर होना यहाँ पर शाई नेचर भी देता है, ऐसे व्यक्ति बड़ी जल्दी ओपन अप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें लाइफ में रहती हैं। आगे देख सकते हैं सूर्य माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट मुझे यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत उभरा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सूर्य रेखा काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है, जो आगे चलकर इनको अच्छा सम्मान दिलवा सकती है। कोई ना कोई अच्छी क्रिएटिव क्वालिटी इनके भीतर रहेगी, और इस तरह की सूर्य रेखा होना यहाँ पर इनको पॉलिटिकल फील्ड की तरफ भी अट्रैक्ट कर सकती है, क्योंकि इनका बृहस्पति माउंट भी अच्छा है, और इवन बृहस्पति फिंगर और सूर्य फिंगर की लेंथ भी एक समान थी। तो कुछ इस तरह के चांसेस भी रहेंगे किसी न किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर यह काफ़ी अच्छा सम्मान पा सकते हैं, नेम एंड फेम पा सकते हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें आगे चलकर मिलने वाली, क्योंकि वो जो लंबाई है यहाँ पर सूर्य लाइन की वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सूर्य लाइन जो शुरू हो रही है वो हार्ट लाइन के ऊपर से शुरू हो रही है, जो ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर ओल्ड एज में अच्छे रिजल्ट्स इनकी सूर्य रेखा की तरफ से हम देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनका शनि माउंट, शनि और जो बृहस्पति है लगभग दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, फ्लैट हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और उभरे हुए माउंट नज़र नहीं आ रहे। शनि माउंट को आप देख सकते हैं एक इस तरह का शनि माउंट जो ज़्यादा उभरा हुआ ना हो, लाइफ में हार्डशिप्स देता है, मेहनत व्यक्ति को काफ़ी करनी पड़ती है, तो यहाँ पर मेहनती टाइप की नेचर इनकी रहने वाली है, काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद ही
इन्हें जो रिजल्ट्स हैं लाइफ में वो मिल सकते हैं। तो और उसके अलावा आप देख सकते हैं शनि रेखा को अगर देखें तो आपको नजर आएगा शनि रेखा यहाँ से कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई, जो लगभग 36 की एज यहाँ पर शो हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा कुछ यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है इनकी जो माइंड लाइन है और जो इनकी भाग्य रेखा है, इन दोनों को दोनों में से यहाँ पर एक इंटरसेक्शन हो रही है, यहाँ पर ये लाइन क्रॉस हो कर रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से शनि रेखा चलती हुई और यह इनकी जो माइंड लाइन है, जो यह इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, इसके बाद का जो एरिया है अगर आप देखें तो स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। शनि रेखा का जो शो करता है 36 की एज के बाद इनको ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी पहले के मुकाबले। वैसे तो यहाँ पर जो रेखा है यहाँ पर कंफर्ट शो कर रही है, एक कंप्लीट शनि रेखा का होना और एक वीनस वाली साइड से आकर इस रेखा में एक रेखा का और जुड़ना, कुछ इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बन रही है, जो शुक्र एरिया से आकर कोई रेखा जुड़ती है तो फैमिली की तरफ से अच्छी सपोर्ट मिलती है। भाग्य जो रहता है, भाग्य उदय जो होता है वो फैमिली की सपोर्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पर फैमिली सपोर्ट इनको अच्छी रही होगी और आगे चलकर यह इंडिपेंडेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे 36 के बाद की एज में। और जिस एज में भी कोई स्ट्रेस लाइन आकर काटती है भाग्य रेखा को, उस एज में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक रेखा काटती हुई 45 के अराउंड एज में, जो इस एज में कोई फाइनेंशियल लॉस को दर्शाती है। अदरवाइज यहाँ पर इनकी जो भाग्य रेखा है अच्छी नज़र आ रही है 36 की एज के बाद, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर मैं लाइफ में देख पा रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, इनकी लाइफ लाइन की जो कमेंसमेंट है वो यहाँ पर गुरु माउंट से ही शुरू होती हुई, और गुरु माउंट से जिनकी भी लाइफ लाइन शुरू होती है बहुत ही अम्बिशियस टाइप के लोग होते हैं, इनके अंदर इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। जिनकी भी जो लाइफ लाइन है, जो जीवन रेखा है, वो गुरु माउंट से ही शुरू हो, यह जो एरिया रहता है गुरु माउंट का रहता है, और यहाँ से लाइफ लाइन का शुरू होना और इस तरह से आगे बढ़ना शो करता है कि बहुत ज़्यादा इनकी इच्छाएं रहेंगी और बहुत अच्छा सोशल सर्कल यह बनाना चाहेंगे, और जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से लाइफ में एक तरह से एंग्जाइटी भी रहती है, इनको थोड़ी सी घबराहट जैसी प्रॉब्लम भी रहती है, क्योंकि जो जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरह की इनकी जीवन रेखा होने की वजह से गुरु माउंट का जो एरिया है वो भी थोड़ा सा कम रह जाता है। नॉर्मली जो जीवन रेखा होती है वो यहाँ से शुरू होती है और कुछ इस तरह से चलती है, जिसकी वजह से गुरु माउंट को अच्छी स्पेस मिल पाती है। तो यहाँ पर इनके हाथ में रेखा जो ऊपर से शुरू हो रही है, जो शो कर रही है एक एम्बिशियस पर्सनैलिटी को, लेकिन प्रोग्रेस भी रहेगी क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस लाइंस भी मैं देख पा रहा हूँ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। तो लाइफ में मेहनत इनके काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन तरक्की भी रहेगी। अप्स एंड डाउन्स इनको लाइफ में कई बार देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो भी रेखाएँ इनकी लाइफ लाइन को काट कर चलती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं जो काट कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ऐसी रेखाएं कुछ दिक्कतें लाइफ में ला सकती हैं, सेटबैक्स व्यक्ति को उसकी वजह से मिलते हैं। और ओवर एम्बिशियस पर्सनैलिटी होने की वजह से भी लाइफ में कई बार खालीपन सा महसूस होता है। तो अदरवाइज कोई भी यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लाइफ में तरक्की रहेगी, थोड़ा समय रहेगा, जितनी देर तक यह जो लाइन है, जो वीक लाइन चल रही है, यह चलेगी तब तक थोड़ी सी दिक्कतें लाइफ में रहेंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद की जो लाइन यहाँ से आगे की लाइन जो आगे बढ़ रही है वो स्ट्रांग होने की वजह से आगे चलकर इनको प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे और फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट की लाइन है कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई, इनको केयरिंग नेचर का पर्सन भी बनाती हैं, और एक ब्रांच का इस तरह से चलना शो करता है मांगलिक होने को। इस वजह से गुस्सा भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। अदरवाइज हार्ट की लाइन यहाँ पर काफ़ी क्लियर है, एक ऑनेस्ट एंड लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी को शो करती है इनकी हार्ट की लाइन, काफ़ी क्लियर हार्ट की लाइन। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इनकी माइंड की लाइन है वो भी यहाँ पर
इनकी जो जीवन रेखा है उसके अंदर से मंगल एरिया से शुरू होकर यहाँ से कमेंसमेंट हो रही है इनकी माइंड लाइन की, और इस तरह से आगे बढ़ती हुई। और जिनकी भी माइंड की लाइन अंदर से यानी कि मंगल एरिया से स्टार्ट होती है और जीवन रेखा के अंदर से शुरू होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं। और जब भी उन प्लानिंग्स के ऊपर काम करने का समय आता है तो उसमें बदलाव करते रहना इनकी नेचर रह सकती है। तो यह कुछ इस तरह की स्थितियां इनकी लाइफ में रह सकती हैं कि इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा रह सकती हैं और बहुत सारी प्लानिंग्स इनकी लाइफ में रहेंगी, लेकिन प्लानिंग्स को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उसमें इनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अदरवाइज माइंड काफ़ी शार्प रहेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकना इस लाइन का इनकी जो कल्पनाशीलता है उसको बढ़ाएगा, और थोड़ा सा मानसिक तनाव भी रहता है अगर लाइन नीचे की तरफ झुके तो। बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, हल्का झुकाव इस लाइन में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पर हार्ट की और माइंड की लाइन यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ इनकी इन लाइन से नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो हेल्थ रिलेटेड इशू इनको रहा होगा यहाँ पर डबल होने की वजह से लाइन के लगभग 25 के आसपास की एज में कोई दिक्कत यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आगे की अगर आप लाइन देखें तो बहुत ही क्लियर है, कोई भी मेजर हेल्थ इशू आगे मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छी हेल्थ को यह इंजॉय करने वाले हैं, और इवन अगर देखा जाए तो लाइफ लाइन की लंबाई काफ़ी अच्छी है, 80 के आसपास की 80 वर्ष के आसपास की उम्र को यह इंजॉय करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा का एरिया यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव शो कर रहा है, अदरवाइज बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल अच्छा एरिया चंद्रमा को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर काफ़ी ट्रैवलिंग भी इनको करवाएंगी। अब देख सकते हैं प्रकर्षण एरिया के ऊपर बहुत सारी लाइंस का होना यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियाँ लाइफ में ला सकता है। और कुछ ऐसी ही वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं जो फैमिली की तरफ से मिलने वाली चिंताओं को शो करती हैं, लेकिन कोई भी वरी लाइन यहाँ पर मेजर इफेक्ट इनकी लाइफ के ऊपर नहीं डाल रही, तो यहाँ पर बेवजह की चिंताएं इनको रहने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।